हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड डिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओप्पो के स्मार्टफोन का पासवर्ड अनलॉक करने वाले हैं, जो कि 6 डिजिट लेयर प्रोटेक्शन के साथ आता है और ये बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड होता है। इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे मेथड है इसको तोड़ने के लिए, लेकिन आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, इसमें आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और वीडियो आपको मिल जाए। और अगर आप बिल्कुल एकदम नए हैं, पहली बार देख रहे हैं और ज्वाइन नहीं किए हमारे चैनल को, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। मेंबर बनने के लिए आपको वहाँ पे जाइए, चेक कीजिए, देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको फिलफिल कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है और इसको हम कैसे अनलॉक करेंगे, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर ये वीडियो को देखिए और कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसे हम पूरे प्रोसेस को करते हैं। अगर आप वीडियो को भगा भगा के देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने कोई भी सिम या मेमोरी कार्ड लगा रखा है तो उसको बिल्कुल भी ना निकालें, और अपने फ़ोन को तो रीस्टार्ट आपको करना ही नहीं है, ठीक है ना। फ़ोन को रीस्टार्ट कभी नहीं करें। अगर आपका फ़ोन इन फ्यूचर लॉक हो जाता है तो कभी आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट नहीं करना है, ये आप एकदम कंफर्म हो लीजिए। इसके पीछे क्या टेक्निक है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट नहीं करना है। चलिए फर्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे डायलर पैड ओपन कर लेना है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ 4 डिजिट का कोड बताऊंगा, उसको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है ना। तो इंटर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पे देख लीजिए स्टार हैज, और उसके बाद यहाँ पे 0000 और यहाँ पे हैज दबा के इसको कॉल कर देना है, कुछ इस तरीके से। कॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा, उसको आप इग्नोर करके ओके कर दीजिए, और इस प्रोसेस को कम से कम 5 बार आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को आपको 5 बार करना है, और ओप्पो के जितने भी अदर यूजर्स हैं, मतलब कि A12 है, 53 है, जो भी यूजर्स हैं, रेनो भी हैं, उनको भी ये ट्रिक करना चाहिए। हो सकता है 85% चांस है, स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये आपका हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई करके देखिए, ट्राई करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस हमारी इस वीडियो को आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड जो है ख़त्म हो गया है, सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फिर से एक नंबर टाइप करना है, ये नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद हैज आपको दबाना है, ठीक है। वीडियो अगर समझ में नहीं आया, बैक करके देख सकते हैं कि मैंने कौन सा की इंटर किया है, और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको मेन बोर्ड वर्जन पे यहाँ पे 8 से 10 बार आपको क्लिक करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका कोई काम नहीं होगा, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ओके कर लेना है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे आपको इन सभी ऑप्शन को क्लियर करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो है साइड वाला जो है गेस्चर जो अनेबल है, बहुत लोगों को तो यहाँ से होता है, तो मेरा यहाँ से है। अब इस तरीके से सारे ऑप्शन में आपको निकल जाना है, ये आपका मेन मेन्यू में आप आ गए। अब जो हम बैक करेंगे तो हमारा फ़ोन यहाँ पे कम्प्लीटली अनलॉक हो चुका होगा, हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और हमारा फ़ोन जो है बहुत ही ईजी वे में अनलॉक हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। इंस्टाग्राम पे आप हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लें, हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है माइंड डिश। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड